अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी एम इलेक्ट्रॉनिक टेक मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको जैक A5 प्लस मशीन है, इसमें अक्सर फॉल्ट आ जाते हैं बैक टेक का या फुट का या ट्रिमर का, उस वजह से उसको मास्टर रीसेट किया जाता है और नॉर्मल रीसेट किया जाता है, वो दोनों ही मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बजे लगे बेल बटन को जरूर दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बार बार मिल सके। तो सबसे पहले डिस्प्ले की तरफ आते हैं। डिस्प्ले के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है रीसेट वाला बटन, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नॉर्मल रीसेट जो है वो होगा। नॉर्मल रीसेट जब होगा तो लाइन आएगी, उसके बाद 888 आएगा, उसके बाद नॉर्मल स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये इसका हो गया नॉर्मल रीसेट, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने इसको मास्टर रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसकी पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद ये पी वाला जो बटन है, पी वाला बटन प्रेस करेंगे और पावर ऑन करेंगे, ठीक है जी। पैरामीटर 100 आएगा, तो इसको हमने 165 पे लेके जाएंगे इसको। ठीक है, पैरामीटर 165 पे 2121 पे इसको हम रीसेट करेंगे, ठीक है। जब अगर ये इसका कोड चेंज हो तो इसको वापस लेके आएंगे 2121 पे और पी वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और मशीन में साउंड आएगा रीसेट का और ये रीसेट हो गई है। उसके बाद आप इसको चला के चेक कर लें, नॉर्मल मोड पे चलेगी। जी और ये तो मैंने आपको रीसेट का बता दिया, मास्टर रीसेट का और नॉर्मल रीसेट का। तो इसी मशीन के हवाले से A4, A5 और जैक जितने भी मॉडल हैं बाटे क्या पैटर्न सिवर, इस तरह की मशीनों के हवाले से आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।